OnePlus 8 लाइट। हाँ गाइज, यहाँ पे बहुत सारे लोग का, हम लोग का सपना है कि हम OnePlus का फोन लें। मैं भी लेने वाला था OnePlus का एक फोन, मगर नहीं लिया। तो गाइज बहुत सपने रहते हैं, मगर बहुत महंगे होते हैं OnePlus के फोन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus के, OnePlus 8 लाइट के बारे में। कब आ रहा है, किस प्राइस के साथ आ रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि अब सस्ते में OnePlus 8 लाइट मिलने वाला है, क्योंकि यार OnePlus दिन पर दिन अपना प्राइस बढ़ाता जा रहा था। बट अब आप वेट करें और ये फोन बहुत अच्छा आने वाला है। तो आज का वीडियो यहाँ पे, ये जो फोन होने वाला है ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है OnePlus की तरफ से, OnePlus 8 लाइट। सबसे पहले बात करता हूँ गाइस यहाँ पे इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बाद में बात करेंगे प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस इस फोन के डिजाइन के मामले में। डिजाइन आप देख सकते हैं, ये लोग जो है वो सामने हमें बाहर निकल के आया है, और ये लुकिंग वाइज फोन बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीमियम डिजाइन है, आप नहीं बोल सकते। मतलब इस फोन का जो प्राइस मैं बता दूं, होने वाला है अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये। हाँ गाइस, ये मतलब ये होता है OnePlus का सस्ता। ओके तो वह 25 से 30 हज़ार रुपये इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बोला यार 20 हज़ार, कोई तो 20 हज़ार का अंडा बोल रहा है। मुझे नहीं लगता इतना सस्ता प्राइस होगा, 25 से 30 हज़ार रुपये का इसका प्राइस होगा। तो इस प्राइस में इस डिजाइन को आप देखते हो तो लुकिंग वाइज ये अभी भी बहुत बढ़िया प्रीमियम डिजाइन दे रहा है। डिस्प्ले में बात करता हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD होगा, और सेंटर में पंच होल होगी। आई थिंक 2020 में यही अब ट्रेंड चलने वाला है, ये जो सेंटर में पंच होल हो रही है। और इसमें हमें जो रिफ्रेश रेट होंगी वो 90 की होगी, तो आपकी जो डिस्प्ले है क्वालिटी अच्छी होने वाली है। तो आप बोल सकते हैं डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, बिकॉज पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे हमें कहीं भी सेंसर नहीं देखने मिल रहा है, तो इसलिए इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलने वाला है। तो डिस्प्ले आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं बात करता हूँ इस फोन की चिपसेट के बारे में। इस फोन में गाइज हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 730G मिल सकता है, क्योंकि ये चिपसेट आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से आप देखते हैं तो ये भी ओवर प्राइज है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, रियलमी ने Realme X2 को इतने कम प्राइस में ला के Snapdragon 730G। अब Realme X2 भी है, जैसे आप देख सकते हैं Snapdragon 730G, उसका प्राइस देखें। अब इसका भी भाई प्राइस 25-30 हज़ार होता है, तो आप बोलेंगे कहाँ से, मतलब कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। तो चिपसेट इस प्राइस में महंगा ही मिलेगा आपको यार। चलिए वही बात करते हैं गाइज इस फोन के कैमराज के बारे में। कैमराज अच्छे होने वाले हैं यहाँ पे। सिर्फ कैमरा में मतलब फोटो देखते हैं तो इसमें दिखा रहा है 3 कैमरा, मतलब 2 कैमरा तो एकदम बड़े हैं, इसके सेंसर दिख रहे हैं, पर एक कैमरा छोटा सा दिख रहा है। वो कैमरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट 2 कैमरा दिख रहे हैं जो हमें देखने मिल रहा है, वो मैं देख के बता रहा हूँ। तो आई थिंक इसका जो मेन सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का हो सकता है, सैमसंग का GW वाला सेंसर। देन एक आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है यार इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए OnePlus को, क्योंकि यार इस प्राइस में इतनी अच्छी कंपनीज क्वाड कैमराज दे रही हैं, अब तो 5 कैमरा की बातें भी होने लग गई है भाई। तो क्या कर रहा है OnePlus, मुझे सही नहीं लग रहा। बट 2 कैमरा मतलब मुझे नहीं लगता 2020 में काम चलेगा। हाँ अच्छे कैमरा होते तो वो बात अलग होती है, बट लेट्स सी। सेल्फी कैमरा बात करता हूँ, सेंटर में पंच होल होने वाली है जैसे मैंने बताया, तो सेंटर में पंच होल बोला एक्सपेक्ट की जा रही है। 20 मेगापिक्सल की हमें सेल्फी देखने मिल सकती है, तो ओवरऑल आप वो भी देखते हैं तो अच्छा होगा, तो भाई अच्छी सेल्फी भी मिल जाएगी। वहीं बात करते हैं बैटरी के बारे में गाइज। आपको तो पता ही गाइज यहाँ पर OnePlus की जो बैटरी कम मिलती है, मगर जो उसका डैश चार्जिंग है वो उसको बोल सकते हैं कवर कर लेता है। तो अभी इसकी बैटरी लीक नहीं आई कितनी होने वाली है, मगर मैं ये बता सकता हूँ उसमें हमें डैश चार्जिंग मिलेंगी, तो भाई इसका फोन का जो चार्जिंग होगी, स्पीड होगी वो अच्छी होगी, तो आपकी फोन चार्ज जल्दी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं UI के बारे में। ये आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, ये Oxygen OS के साथ रन करेगा, एंड ये है पूरा OnePlus का 8 लाइट। एंड अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। प्राइस तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था गाइज, इस फोन का जो प्राइस है वो 25 से 30 हज़ार रुपये में होगा। बेस वेरियंट आई थिंक 6 GB RAM 128 या तो 8 GB RAM 128 मिल जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा है प्राइस के हिसाब से, मगर ओवर मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। और वहीं बात करता हूँ इस फोन के यहाँ पे लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फोन जो है गाइस हमें लॉन्च अगले ही साल मिलेगा, हाँ मतलब 2020 में। इतना अब अगला साल इतना नहीं समझे आप, बहुत ज़्यादा, अब तो भाई बहुत ही कम दिन बचे, तो 2020 में मिलने वाला है। लेट्स सी कब आता है, और कुछ भी आगे देखते हैं क्या आता है। तो बस गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए और वीडियोज हमारे देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और लाइक भी करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।